हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आजकल लोग स्मार्टफोन तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ अपने डिवाइस को सिक्योर रखने के लिए स्क्रीन पर फेस लॉक, फिंगर लॉक और ना जाने कितने पासवर्ड लगा के रखते हैं और उसको बाद में भूल भी जाते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो पर हम यही बताने वाले हैं कि भूल जाने के बाद दोबारा उस पासवर्ड को कैसे एक्टिव कर सकें, भूल जाने के बाद उस पासवर्ड को मतलब फिंगर लॉक कैसे लगाया जाता है उनको पता ही नहीं रहता। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं सरफराज आपका होस्ट और दोस्त टेक राज। ऐसा ही कुछ मेरे एक दोस्त के साथ हुआ। उसके मोबाइल पर फिंगर लॉक लगा हुआ था और फिर उसके फिंगर पर चोट लग गई और उसने कोई बैकअप पासवर्ड भी नहीं बनाया था। उसके लिए उसको बहुत प्रॉब्लम हुई। तो ऐसा आपके साथ भी ना हो, इसीलिए छोटी सी वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आया हूँ। सबसे पहले आप सेटिंग्स पर जाएं, फिर स्क्रॉल डाउन करके लॉक स्क्रीन के ऑप्शन आएगा, उसको टैप कीजिए। फिर दोबारा स्क्रॉल डाउन करके आप लास्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी आप टैप कीजिए। उसके बाद आपको पासवर्ड के ठीक नीचे एक पासवर्ड एंड अनलॉक का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी टैप कीजिए। आपको आपका मोबाइल स्क्रीन का पासवर्ड पूछेगा तो आप उसको एंटर कर दीजिए। आपके सामने मैनेज फिंगर प्रिंट का पेज ओपन होगा, उसमें आपके सामने फिंगर प्रिंट का ऑप्शन आएगा, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। वो आपसे फिर मोबाइल स्क्रीन लॉक का पासवर्ड पूछेगा, आप वो पासवर्ड एंटर कर दीजिए। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको बस करना ये होगा कि मोबाइल के पीछे यानी बैक साइड पर सेंसर होगा, आपको अपनी एक फिंगर जिसका लॉक आपको लगाना है अच्छे से फिंगर की टॉप वाले हिस्से को उसमें रख कर सेंस कराना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फिंगर को सेंस कर रहा हूँ, वैसे वैसे उसका निशान बन रहा है। फिर जैसे जैसे मोबाइल स्क्रीन पर आपको करने को कहा जाएगा बस वैसा ही कीजिएगा। वो आपका हो जाने के बाद आप देखिएगा, यहीं पर कुछ लोग गलती करते हैं, बस एक ही फिंगर का लॉक डालते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ऐड फिंगर का भी ऑप्शन आ रहा है, आपको ऐड फिंगर करके अपने हाथों की कोई दूसरी फिंगर का भी लॉक उसमें लगा सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर आपका कोई भी फिंगर पर चोट लग जाए, जैसे मेरे साथी के साथ हुआ था, तो आप दूसरे फिंगर से रिकवर कर सकते हैं। देखिए, तो ये अब आप ऐसे करके आपका पासवर्ड एक्टिव हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ जो फ्यूचर में आपको कभी ना कभी काम देगी। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।